हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेजी फ्लावर थीम आई लुक। तो जो मैंने किया है आप देख सकते हो, तो इसका मैंने फुल ट्यूटोरियल अभी ये आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबलिन कंसीलर और इसे एज ए आई बेस मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज की भी अच्छे से फ्रेमिंग कर दे रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया है ऑरेंज शेड और उसे लगा दे रही हूँ अपनी क्रीज लाइन के ऊपर। तो इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, तो जितना आप ऊपर सॉफ्टली ब्लेंड करोगे उतना अच्छा कलर आएगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ पर्पल शेड और उसे क्रीज लाइन पे लगा के और आउटर पे उसे मैंने स्मच कर दिया अच्छे से। इसके बाद उसे और अच्छे से मैं दूर से भी दिखा दे रही हूँ कि कैसा लुक आ रहा है। इसके बाद मैंने सेम कलर को थोड़ा सा और इन्हेंस किया है, थोड़ा सा मरून शेड भी लगा दिया था कॉर्नर पर। और अब मैंने लिया है येलो शेड, उसे इनर से लेकर सेंटर तक में लगा दिया है और बहुत ही अच्छे से उसे फिल कर देना है ताकि गैपिंग भी ना दिखे। और तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैं बना रही हूँ डेजी फ्लावर जो है वो, तो काफ़ी छोटा सा ही बनाना था। तो एक मैंने लिया है जूड़ा पिन, उसको मैंने खोल दिया था। और यहाँ पे वाइट बेस लेके यू कैन बी का जो पैलेट आता है उसी से मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है और बीच में येलो कलर का डॉट बना दिया। नेक्स्ट मैंने लिया है आईलैश कर्लर और कर्ल कर लिया है आईलैश को। इसके बाद मैंने लिया है शुगर का मस्कारा जो कि था ब्लू कलर में और उसे मैंने काफ़ी अच्छे से लगा के, इसके बाद शुगर का ही काजल लिया है, उसे एज अ सीक्रेट लाइनर लगा दिया ताकि गैपिंग ना दिखे। नेक्स्ट मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ये पर्पल पेंसिल, ये है स्विस ब्यूटी का है वाइन शेड पेंसिल, और इसको अपने लोअर लैश लाइन पर अच्छे से लगा दूँगी। इसके बाद लेंगे मरून शेड आई शेडो और उससे ब्लेंड कर देंगे। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो? मुझे तो काफ़ी मज़ा आया ये आई मेकअप करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।